तो दोस्तों नमस्कार। चलिए मैं आज आपको कुछ और नया नज़ारा दिखाता हूँ। और आज मैं बहुत दिनों बाद अपने खेत साइड आया हूँ। खेत बोले या फिर हो सकता है आपके यहाँ और भी कुछ बोलते हों, तो आज मैं बहुत दिनों बाद इस साइड आया हूँ। तो मैं कहा चलिए आज आपको मैं इधर का नज़ारा दिखाता हूँ। घर का नज़ारा तो आप कई एक बार देखे हैं, चलिए आज मैं आपको खेत का नज़ारा दिखाता हूँ कि मेरे खेत में मेरे किस तरह के घर बने हुए हैं। तो चलिए मैं आपको शुरू से लास्ट तक दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं इधर का कुछ इस तरह का नज़ारा है, और इधर भी कुछ घर बने हुए हैं, ये देख सकते हैं। और ये अपनी टाली खड़ी हुई है, और इधर कुछ जानवर हैं मवेशी, ये देखें। और ये कुछ घर बना हुआ है, पुराना है कुछ इस तरह से जानवरों को रखने के लिए, और नया घर ये कंप्लीट हो रहा, 7-8 कमरे हैं। चलिए मैं आपको और अंदर साइड दिखाता हूँ। तो अपन इसको पहले क्रॉस करते हैं, ये लो। तो यदि घर के नज़ारे की बात करें तो ये देख सकते हैं, ये बन रहा है कुछ इस तरह का नया घर। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो आप कई एक बार देखे हैं, और इधर ये सब जानवर रहते हैं। और इधर से ऐसे होते हुए अंदर जाने की रास्ता बनी हुई है, ये भी अपना ही घर है, और ये जो नया बन रहा है ये भी अपना ही है। और इधर ये अपना ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, और इधर कुछ इस तरह का तामझाम है। देखिए इसमें अपन कटिया काटते हैं जानवरों को खिलाने के लिए, चारा पत्ती। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। तो ऐसे ट्रैक्टर के बगल से निकल चलते हैं। ये इधर तमाम ट्रैक्टर का सामान पड़ा हुआ है, कल्टीवेटर हो गया और सील डील हो गई, और ये वो है जो अपन धान काटने के बाद उसका जो डंठा रह जाता है ना, उसको काटने के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं। और ये अपना बोर है, एक ये बिही का पेड़ भी है, और उधर अपना पानी का टंकी, और कुछ इस तरह का सिस्टम है इधर। ये देखें बिही वैसे लगी हुई है, देखिए बिही लगी हुई है और पकी भी है, ये देखिए। तो ये अपना फार्म हाउस है, फार्म हाउस बोले या खेत बोले आप जो भी समझते हो। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है इधर का, और इधर अपना खेत है, ये देखें। चलिए मैं आपको खेत के भी नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का खेत अपना बना हुआ है। तो बस इतना ही,